गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका अध्याय 3 मात्राएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्राएं, ठीक है ना। सबसे पहले मात्रा किसे कहते हैं? क्या मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्ह इनकी मात्राएं कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं उनकी जो चिन्ह होते हैं, जैसे बड़े आ का ये डंडा हो गया, ठीक है, ये बड़ा आ की मात्रा हो गई, फिर छोटा ए की मात्रा हो गई, फिर बड़ी ए की मात्रा हो गई। तो ये जो आपके चिन्ह हैं यही मात्रा कहलाते हैं। समझ में आ रहा? ये जो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं यही मात्राएं कहलाती है, ठीक है ना। इन्हें व्यंजनों के साथ लगाते हैं, ठीक है। व्यंजन के साथ लगाएंगे मतलब जैसे हमें लिखना है किताब, तो हमने बड़ी की मात्रा लगा दी थी, और फिर ता, ता के साथ सॉरी ये नहीं छोटी की मात्रा है की ये वाली मात्रा, फिर ता के साथ आ की मात्रा, और फिर इसके बाद बा। तो इस तरह से हम इन व्यंजनों के साथ इसे लगाते हैं। आ रहा समझ में? स्वरों की जो चिन्ह होते हैं वो क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। अगर हम छोटा आ लिखते हैं तो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आपको बड़ा आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और आगे देखिए छोटा ओ की मात्रा, छोटा ओ लिखा हमने ये मात्रा, बड़ा ओ लिखा इधर की मात्रा आ गई, फिर है ऋषि की मात्रा, तो ये ऋषि की मात्रा आपको इस तरह से लगेगी, फिर है आपका ए की मात्रा, ए एडी का इसकी एक मात्रा जाएगी, इसके बाद ए एनट का है तो आप एक मात्रा तो ये इसकी थी और एक ये हो गई तो दो मात्रा आ जाएगी एनएफ में, फिर है आपका ओखली, ओखली या फिर ओ की मात्रा अपन बोल सकते हैं इसको, ओ की मात्रा में इस तरह से आएगा, फिर है औ की मात्रा, औ लिखा हमने और इसकी मात्रा क्या हुई, ठीक है, ये औ की मात्रा हो गई आपकी। और इसके बाद कुछ अन्य चिन्ह होते हैं जैसे अम की मात्रा, अम की ये मात्रा है तो ये छंदबिंदी हो गया, फिर आहा, आहा भी होता है, और अनुस्वार ये कहलाता है आपका अनुस्वार, क्या कहलाता है अनुस्वार, फिर इसके बाद छंदबिंदी वाली मात्रा होती है जो ये अनुनासिक है, क्या है अनुनासिक है, और इसके बाद है आहा, आहा भी ये क्या है विसर, क्या है ये विसर, तो ये क्या है अनुस्वार। दूसरा ये है अनुनासिक, और इसके बाद है विसर, क्या है ये विसर, ठीक है ना, समझ में आया इतना। तो ये जो सारी मात्राएं हैं आपको ये मात्राएं ही काम में आती हैं। हम ये स्वर बोलते हैं, स्वर की मात्राएं होती हैं, और ये मात्राएं व्यंजन के साथ उपयोग की जाती है, बस आगे इसमें आपको कुछ भी नहीं है। इसमें सही विकल्प दिया है आपका, तो हम सही विकल्प करेंगे पहले, इसके बाद उसके आगे के जो भी एक्सरसाइज हैं वो सारे करेंगे। सबसे पहले देखिए सही विकल्प और सही का निशान, तो आप पहला दिया है ये आपका बना है पुल, और पुल में मात्रा लगी कौन सी छोटा होगी, कौन सा लगा है इसमें ये वाली मात्रा, फर्स्ट का फर्स्ट वाला है छोटा हो की मात्रा लगी है, तो ये वाला आपका क्या आएगा राय, ठीक है ना, पुल में क्या है छोटा हो की मात्रा लगी है इसलिए ये वाला राइट आएगा। इसके बाद उसी के नीचे का लिखा है ओ की मात्रा वाले चित्र, सॉरी
की मात्रा वाला चित्र कौन सा है? देखिए मूली, मूली में क्या है, बड़ उ की मात्रा आ रही है, इसके बाद बड़ी की भी आ रही है, ये भी आ रही है, लेकिन हम ये घड़ी में लगाएंगे। तो घड़ी जो लास्ट है आपका, वो लास्ट वाले में जो घड़ी बनी है आपकी, उसमें चित्र उसमें लगा देंगे। फिर लिखा है बनी है, क्या बनी है आपकी, मूली बनी है, मूली में मात्रा लगी है कौन सी, बड़ा ओ की, कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा ओ की। तो हम इसको क्या कर देंगे, साइड सही कर देंगे इसको। आगे समझ में पहले आया कि सही विकल्प पर आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना है। पहले में पुल है, पुल में मात्रा लगी है छोटा ओ की, फिर दूसरे में लिखा है बड़ी की मात्रा वाला चित्र है, घड़ी, घड़ी में लगा देंगे, या फिर आप हाँ घड़ी पे ही लगाएंगे। इसके बाद तीसरे में आपको दिया है, क्या बना है, मूली, तो मुँह में माँ में बड़ा ओ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, मूली। समझ में आया। अब इसके बाद है एक सेकेंड वाला, इसमें लिखा है स्वर को उसकी मात्रा से मिलाइए। सबसे पहले आ लिखा है, इसके साथ मात्रा दी है ए की, इसके बाद उ लिखा है, मात्रा दी है ओ की, ए लिखा है और मात्रा दी है आ की, फिर लिखा है आपको ओ लिखा है, ओ की मात्रा, फिर यहाँ छोटा ऊ, फिर ए की मात्रा, यहाँ लिखा है ऋषि, ऋषि वाली मात्रा, और यहाँ लिखा है ऋषि, और यहाँ लिखा है ए की मात्रा। अब हमें इसको मैच करेंगे, ठीक है ना। आ से बड़ा की मात्रा को मैच कर दिया, छोटा ऊ से छोटा ऊ, ए से ए, फिर आपको बचता है ओ, ओ से ओ की मात्रा, ए से ए की मात्रा, ये आ गया इसमें, और ऋषि से ये मिला दिया। तो ये सारी मात्राएं आप पहचानते हैं, तो आप इसका मैचअप कर लेंगे, ठीक है ना। अब आ जाइए पेज नंबर 22 पे, ठीक है ना। दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब आपको इसमें वर्ण दिए हैं और उनको जोड़ना है और शब्दों को बनाना है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से, ये प्रश्न नंबर आपका 3 है, 3 में एक ब्रैकेट बना है छोटा सा, अंदर गोला बना हुआ है, इसमें लिखा है नाम और ऊपर दिया है दी, इधर दिया है बी, इधर दिया है ली, और इधर दिया है आपका ती। अब आपको इसके आगे शब्द बनाने हैं 4, एक एक आपको बना के दिया है, बाकी आप दूसरा खुद बनाएंगे। दी से दी, फिर ली, फिर ती, और इसके बाद बी। इसी तरह से आपको इधर सेकेंड वाला किया है, वो भी आप कर लेंगे। धुन दिया है, आप सुन बनाएंगे, चुन बनाएंगे और गुल बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं, मात्रा लगाकर शब्द लिखिए और पढ़िए। अब लिखा है आपका हरण, क्या लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया है, ये बहुत ही सरल है,
ठीक है ना। तो ये आपके दिए हुए हैं चित्र, ये आप नाम लिख लेंगे इसके, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आपका इसमें नंबर नहीं दिया है, लेकिन पेज नंबर आपका 22 का ऊपर है। शेर, हिरण, ठेला और ये पहाड़, इस तरह से आगे देखिए। पेज नंबर 23, चित्र को देखकर सही स्थान पर मात्रा लगाइए। लिखा है अनर, क्या लिखा है? अनर। तो हम इस पे मात्रा लगा के क्या बना देंगे? अनार। क्या बनाएंगे इसको? अनार। पेज नंबर आपका 23 लिखा है अनर, इस तरह से लिखा है। हमने इसमें डंडा बना दिया, अनार हो गया। घड़ लिखा है और हमने इसमें मात्रा लगा दी है, तो क्या हो गया? घड़ी। पल लिखा है, हमने इसमें छोटा ओ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? पुल। बल लिखा है और हमने इसमें ऐ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? बेल। पधा लिखा है और हमने इसमें औ की मात्रा लगा के क्या बना दिया? पौधा। लोक लिखा है और हमने इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया? ये लौकी। अब ए की मात्रा वाले चित्रों में रंग भरिए। जो ए की मात्रा है, क्या होती है ए की मात्रा? क्या होती है बताइए? ए की मात्रा, ये ए की मात्रा है, ठीक है। क्या है? ए की मात्रा। तो अब इसमें आपको चित्र दिए हैं, इसमें ए की मात्रा वाले कौन से शब्द हैं? देखिए, पहला बना है बैल, इसमें दो मात्रा लगेंगी, तो इसे हम नहीं करेंगे। ये बना है सेब, तो हम इसको क्या करेंगे? कलरफुल कर देंगे, सेब को कलरफुल कर देंगे। इसके बाद तितली बनी है, पैर बना है और ये बना है पेड़, तो इसमें भी एक ही मात्रा, यानी आपका ये वाला चित्र सेब का और ये पेड़ का चित्र, ये दोनों ही कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बना है सूरज, तो उसको छोड़ दें। तो ये दोनों चित्रों में आपको क्या करना है? कलर करना है। आ रहा है समझ में? तो ये आपका आज का चैप्टर था मात्राएं। मात्राएं स्वरों की जो शब्द होते हैं, स्वरों के जो शब्द होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं, और वो मात्राएं व्यंजनों के साथ उपयोग की जाती है। सारी मात्राएं आपको मैंने पढ़ा दिया अभी, ठीक है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, फिर उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, फिर ऋषि की, एणी की, ऐनक की, सारी मात्राएं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखेंगे आप इस तरह से, सारी मात्राओं को कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? सारी मात्राएं कॉपी में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे हम बताते हैं आपको। ये आप कॉपी में लिखना, ठीक है ना। कॉपी में लिखिए इसको। सबसे पहले इस तरह से आ लिखना, आ की कोई मात्रा नहीं है। फिर हम लिखेंगे बड़ा आ की मात्रा, इस तरह से छोटा ई, इस तरह से छोटा ई की मात्रा, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा लिखेंगे इस तरह से, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर यहाँ लिखेंगे ऋषि, ठीक है, ऋषि की मात्रा लगाएंगे। फिर ए से एणी, एक मात्रा, ऐना, दो मात्रा, ओखली, एक मात्रा, औरत, दो मात्रा, ठीक है। अमंगूर, एक बिंदी, आहाखाली, ये विसर्ग, ठीक है। तो ये सारी मात्राएं आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगली वीडियो में फिर अगला चैप्टर देखें।